हेलो वेलकम बैक टू टूर चैनल टॉपर मी दिस इज ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इस वीडियो में हम देखने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर का सेकंड पार्ट तो इसमें हम क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं देख लीजिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसके बाद मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग नंबर बाय जीरो नंबर बाय वन एंड डिवाइडिंग जीरो नंबर ठीक है इससे पहले हमने एक पहला वाला पार्ट कंप्लीट किया था इसका ही वो कंटिन्यूशन वाला पार्ट है सेकंड पार्ट ठीक है तो होल नंबर की प्रॉपर्टी से फर्स्ट वाला पार्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ये वाला है फर्स्ट वाला पार्ट उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को कम्प्लीट किया है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी कम्प्लीट किया है ठीक है अगर होल नंबर क्या है ये अगर समझना है तो आपको ये वाला पार्ट देखना पड़ेगा नो अबाउट नंबर का फर्स्ट पार्ट उसमें होल नंबर नेचुरल नंबर इंटीजर्स उसके बाद इवन नंबर और नंबर सभी के सभी नंबर उसमें दिए हैं और उसका सेकंड पार्ट भी दिया है ठीक है तो इन सब वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए आप वहां पर जाके इसको चेक कर सकते हो ठीक है साथ ही में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक शेयर भी कर लीजिए ठीक है शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या आएगा एडेटिव आइडेंटिटी कौन सी है तो उसमें देख लेंगे हम इफ जीरो इज एडेड टू एनी होल नंबर द वैल्यू ऑफ द नंबर विल नॉट चेंज अगर कोई नंबर में हमने अगर जीरो डाल दिया तो उसकी वैल्यू नहीं बदलती है देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जैसे कि थ्री प्लस जीरो किया तो हमें थ्री ही मिलता है या फिर जीरो प्लस थ्री किया तो हमें थ्री ही मिलता है ठीक है इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या आएगा जीरो इज द एडिटेटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए या फिर बुक में लिख लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सब्सट्रैक्टिव आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी इफ जीरो फ्रॉम अगर जीरो तो माइनस तो किया तो हमें सेवन ही मिलता है ना? अगर 12 में से 0 किया, तो हमें ट्वेल्व ही मिलता है इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्सट्रैक्शन जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर सब्सट्रैक्शन नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं Identity property में ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है देख लीजिए वेना नंबर इज मल्टीप्लाईज बाय वन वी गेट द सेम नंबर एज द प्रोडक्ट हमें वही नंबर एज अ प्रोडक्ट करके मिलता है मीन्स प्रोडक्ट मीन्स उसका रिजल्ट करके मिलता है ठीक है so, सही नंबर हमें एज ए उसका रिजल्ट करके मिलता है तो कैसे देख लीजिए अगर वन से हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें नाइन ही मिलता है ठीक है अगर ट्वेल्व को हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो हमें ट्वेल्व ही मिलता है इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या है सो वन इज दी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर वन इज दी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर इसको भी अच्छी तरह से लिख लीजिएगा ठीक है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है सभी शॉर्ट नोट्स मैंने आपके लिए बना है तो आप इसको बुक में लिख लीजिए आपके एग्जाम के लिए काम आएगा ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाइंग नंबर बाय जीरो अगर जीरो को हमने किसी से मल्टीप्लाई किया जैसे कि स्टेटमेंट देख लीजिए व्हेन एनी होल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय जीरो देन द रिजल्ट इज आल्सो जीरो जीरो को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए हमें फाइनली जीरो ही मिलना है ठीक है जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे देख लीजिए जीरो इंटू ट्वेल्व कीजिए या ट्वेल्व इंटू जीरो कीजिए हमें 0 ही मिलना है है इसलिए ये नोट इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे अ नंबर इज मल्टीप्लाइड ऑलवेज जीरो क्या है ये यह ऑलवेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो के ऊपर हाईलाइट कर देना इंपॉर्टेंट है ठीक तो है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डिवाइडिंग अ नंबर बाय वन डिवाइडिंग अ नंबर बाय वन अगर ट्वेंटी है ट्वेंटी को मैंने डिवाइड किया वन से इस तरह से अगर मैंने ट्वेंटी को डिवाइड किया तो हमें ट्वेंटी ही हमारा आंसर मिलता है है ना ट्वेंटी ही हमारा आंसर मिलता है ठीक है तो इसी तरह से क्या हो जाएगा फिर मतलब ट्वेंटी के नीचे कुछ नहीं है मतलब हम वन डालते हैं इसे हमारा ट्वेंटी ही हमें आंसर मिलता है तो उसका नोट जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अ नंबर नंबर इज इज डिवाइडेड बाय द द रिजल्ट रिजल्ट वही हमारा रहता है दिस इज ट्रू फॉर हॉल ऑल होल नंबर ठीक है ये सभी होल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट लागू होगा इसलिए इसको भी अच्छी तरह से लिख लीजिएगा या फिर इसको स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए नेक्स्ट देखते हैं डिवाइडिंग जीरो बाय अ नंबर अगर इफ द नंबर इज डिवाइडेड इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी होल नंबर वी गेट जीरो एज अ क्वेश्चन अगर किसी नंबर को हमने जीरो से आ, आ, इफ जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर है ना तो अगर जीरो को हमने किसी नंबर से डिवाइड किया तो हमें क्वेश्चन क्या मिलता है एज अ जीरो ही मिलता है अगर आपको क्वेश्चन पता नहीं है तो क्या है मैं बता देता हूं मान लो ये आपका नंबर है है ना यहाँ पे आपने ये थ्री है थ्री वन सो थ्री किया फिर ये कट हो गया यहाँ पे जीरो आया तो ये हो जाता है रिमाइंडर ठीक है ऊपर वाला होता है क्वेश्चन ये है, ये है आपका डिविडेंट और ये है आपका डिवाइजर ठीक है डिवाइजर डी डीवाइजर ठीक है या फिर ये फैक्टर भी हो जाता है ठीक है तो अगर जीरो को हमने किसी भी नंबर से डिवाइड किया जीरो को हमने किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो हमें जीरो ही मिलना है ठीक है इसलिए ये नोट इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे स्टार मार्क कर दीजिए डिवीजन बाय जीरो इज नॉट पॉसिबल एज इट इज नॉट डिफाइंड ऐसे डिफाइंड नहीं है इसलिए ये इम्पोर्टेंट नोट है है ना हमें हम डिविजेबल हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते जी जी को ठीक तो है तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ बच्चों को डिफिकल्ट जाता है लेकिन ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है बहुत ही सिंपल है आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एक एडिशन वाला भी देख लेंगे एक सब्सट्रैक्शन वाला भी एग्जाम्पल देख लेंगे आइए शुरुआत करते हैं एडिशन से मान लीजिए ऐसा एक आपका इक्वेशन है इक्वेशन ऐसा है कि ए इंटू बी प्लस सी या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए मतलब ए को मल्टीप्लाई कीजिए बी से उसके बाद ए को मल्टीप्लाई कीजिए सी से ए इंटू बी किया उसमें बीच में कौन सी साइन है हमारी बीच में प्लस साइन है उसके बाद ए को इंटू सी किया ठीक है फिर इसको सॉल्व करना है तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मान लो कि आपका एक एग्जाम्पल है टू इंटू थ्री प्लस फोर तो इसको आपने क्या किया टू इंटू थ्री किया पहले सबसे पहले फिर टू इंटू फोर किया और बीच में साइन प्लस की दे दी ठीक है तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर फोर्टीन मिलता है अगर इस तरह से नहीं सॉल्व करना है आपको और डायरेक्टली सॉल्व करना है मतलब ब्रैकेट वाला पोर्शन पहले सॉल्व करना है और उसके बाद आंसर निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हैं जैसे देख लीजिए अगर इस तरह से मतलब ब्रैकेट वाला पोर्शन यहाँ पे ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है थ्री प्लस फोर इक्वल टू सेवन हो गया और मैंने ये नीचे लिख दिया है फिर टू इंटू सेवन किया तो हमें 14 ही आंसर मिल गया है है ठीक दोनों भी केस में हमें मतलब इक्वल आंसर मिलते हैं दोनों भी केस में देख लीजिए आंसर इक्वल है इसलिए ये क्या हो जाता है हमारा प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो जाता है सिमिलरली माइनस साइन के लिए भी वैसा ही होगा जैसे कि सब्सट्रेक्शन के लिए इसका भी देख लेते हैं जैसे टू इंटू फाइव माइनस थ्री किया है ना तो टू इंटू फाइव कीजिए सबसे पहले माइनस में टू इंटू थ्री कीजिए जैसे टू इंटू फाइव किया माइनस टू इंटू थ्री कीजिए ऐसा आप लिख सकते हो और इसको वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके टू इंटू फाइव कितना होता है टेन और टू इंटू थ्री कितना होता है सिक्स टेन माइनस सिक्स किया तो मिलता है फोर अगर ऐसा नहीं करना है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है तो वैसे भी कर सकते हैं टू इंटू फाइव माइनस थ्री तो फाइव माइनस थ्री कितना होता है फाइव माइनस थ्री किया तो टू मिलता है फिर टू इंटू टू किया तो फोर मिलता है दोनों भी केस में देख लीजिए आपका आंसर सेम है दोनों भी केस में आपका आंसर सेम है तो ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन एंड सब्सट्रेक्शन ठीक है डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना आप इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख लीजिए ये ए इंटू बी प्लस C था तो आपने क्या किया इसको a इंटू बी प्लस ए इंटू सी इस ब्रैकेट को आपको मल्टीप्लाई करना होता है ना तो आपने दोनों भी मल्टीप्लाई किया फिर ये इस ब्रैकेट को डायरेक्टली सॉल्व कीजिए या फिर इसको इस तरह से सॉल्व कीजिए आंसर बदलने नहीं वाला आपका आंसर सेम ही आने वाला है ठीक है इतनी सिंपल थी ये प्रॉपर्टी जैसा आपको इसका डर था आई होप अब इसका डर नहीं रहा है तो आप इसको अच्छी तरह से आपके बुक में लिख लीजिए विथ एग्जाम्पल ये दोनों भी एग्जाम्पल लिखना जरूरी है क्योंकि और साइन दिया है एक तो ऐसा कीजिए या फिर ऐसा कीजिए ये हो गया आपका प्लस के लिए इधर एडिशन के लिए और राइट right साइड में जो है वो हो गया आपकी सब्सट्रैक्शन के लिए ठीक है दोनों भी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो तो यहाँ पे सभी के सभी प्रॉपर्टी हमारी खत्म हो चुकी है नेक्स्ट लेक्चर जो है दो दोनों के दोनों लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए है वो इंटीजर्स के लिए है इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो इसी के भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप वहाँ पे जाके इसको चेक कीजिए ठीक है साथ में कुछ अदर वीडियोज भी दिए है जैसे कि एंगल्स हो गए टाइप्स ऑफ एंगल हो गए ठीक है उसके बाद मैथमेटिकल सिम्बॉल्स एंड देयर मीनिंग हो गए टेस्ट ऑफ ड्यूजिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है है ना तो इसको भी आप चेक कीजिए अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए ठीक है तो इतने सारे वीडियोस इस चैनल पे है आप एक एक करके देख सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वाले वीडियोस मिलते रहे ठीक है तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी प्लीज शेयर दिस चैनल टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ दैट चैनल ठीक है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गॉड ब्लेस यू